नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल। आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक में। आज हम बात करेंगे मंगल प्रधान दिन, और मंगलवार का दिन हो तो बुद्धि विनायक की पूजा करने से मंगल ही मंगल होगा। बुद्धि विनायक कौन है समझ गए ना? गणेश जी। पौष शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष का पहला दिन है, यानी पौष का महीना शुक्ल पक्ष का पहला दिन है, प्रतिपदा तिथि है। गणेश पूजा का बड़ा महत्व है, अलग अलग चीज चढ़ाएं और लाभ पाएं। पौष मास शुक्ल पक्ष का पहला दिन गणेश जी की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंगलवार जो पड़ गई है, मंगलवार को गणेश स्थापना करना बड़ा शुभ होता है, संयोग भी होता है, एक अच्छा संयोग बन गया है, मंगलवार को गणेश जी की स्थापना की जाती है। इसे बुद्धि विनायक के रूप में पूजा करके मनाएंगे। पौष मास में गणेश जी को तिल की चीज़ें चढ़ाएं, है ना, रेवड़ी हो गया, तिलकुट हो गया, जो भी मिले, तिल की मिठाई हो गई, इसका बड़ा महत्व होता है, बहुत लाभ भी मिलता है ऐसा करने से, क्योंकि इससे बुद्धि बढ़ाने के लिए बड़े काम आता है। लेकिन बुद्धि बढ़ाने के लिए गणेश जी को दुर्वा घास जरूर चढ़ाएं। गणेश जी को दुर्वा घास बहुत पसंद है। दुर्वा घास बुध ग्रह का कारक होता है और बुध ग्रह बुद्धि देता है। गणेश जी को दुर्वा घास पसंद भी है। अगर बुद्धि कमज़ोर हो, पढ़ाई में बच्चे कमज़ोर हो, तो आपको क्या करना, हरे हरे घास वो पार्क में मिल जाते हैं, पार्क से ला करके उन्हें एक लाल कलावे में बांध करके गणेश जी चढ़ाए, उसकी माला बनाकर गणेश जी को चढ़ाए, है ना। दुर्वा घास का प्रयोग करें, गणेश जी को चार लड्डू के भोग लगाएं। दुर्वा घास चढ़ाने के बाद आपको क्या करना, आपकी बुद्धि तेज होगी। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। नौकरी जो करते हैं वहाँ भी दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए। बुद्धि विनायक की पूजा करो ना। नौकरी करने वालों को भी उपाय करना चाहिए, नई अच्छी नौकरी लगेगी, नई कंपटीशन में आगे निकलेंगे, पुरानी नौकरी में प्रमोशन से मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि शंकर जी के पुत्र गणेश जी की पूजा करने से बहुत लाभ मिलेगा। गणेश जी की पूजा बुधवार को होती है, ठीक है ना, मंगलवार को करें, उसके अगले दिन बुधवार को भी गणेश जी की पूजा करें, तभी तो उन्हें बुद्धि विनायक भी बोला जाता है। मंगलवार का एक महासंयोग बना है, गणपति पूजन से चारों दिशाओं से नौकरी में लाभ मिलेगा। गणेश जी को चार लड्डू, हरी छोटी इलायची की माला बनाकर भी चढ़ा सकते हैं, बहुत लाभ होगा। जो लोग शीघ्र विवाह या दाम्पत्य सुख चाहते हैं उनके लिए क्या करना है, गेंदे की फूलों की माला गणेश जी को चढ़ा करके लड्डू का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाकर आरती करें, अगरबत्ती जलाएं, और आपको बोलना है ओम शुभ मूर्ति गणेशाय नमः, ओम शुभ मूर्ति गणेशाय नमः। जिनका विवाह नहीं हो रहा विवाह हो पाएगा, जिनका दाम्पत्य जीवन दुखी है वो सुखी हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने जाना कि गणेश जी की स्थापना, गणेश जी की पूजा कैसे करनी है और अपने जीवन को सुखी कैसे बनाना है। लेकिन मुझे तो इजाज़त, नमस्कार, राम राम।